हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेटिव क्वेश्चन को। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, वन बाय वन करके सारे क्लियर कर रहा हूँ, जितने भी डाउट्स हो आपके क्लियर हो सके। जैसे यहाँ पे कहा गया है, फाइंड अदर फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करे गए हैं, ओवरऑल सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो फाइव फाइंड करने, एक आपको ऑलरेडी दिया गया। इस एक की मदद से इसको जो इस डायमेंशन के ट्रायंगल को जो सपोर्ट करते हैं, उसके आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? जस्ट बेसिक द रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपका आपके अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं? आपके देखिए, टैन हो गया तो एक होगा आपका साइन, तो मैं लिख लेता हूँ, एक आपका होगा साइन, साइन एम। यहाँ पे जो एंगल दिया गया है वो है cos, cos tan का अपोजिट होगा cot, cot sin का साइन का अपोजिट होगा cos, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है cosec m, एंड cos का अपोजिट होगा sec m। क्लियर हो गया ये? अब देखिए, tan m होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन का बेस। क्लियर? परपेंडिकुलर है 5 एंड बेस है आपका 12। ओके, तो आपका टैन एम हो गया परपेंडिकुलर अपॉन का बेस। इसी तरह से आपका अगर साइन एम पता करना है तो साइन एम आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपरटेन्यूज। कॉस हो जाएगा आपका बेस अपॉन का हाइपरटेन्यूज। ओके, कॉट क्या है? जस्ट अपोजिट ऑफ टैन एम। अगर टैन पी अपॉन का बी है तो कॉट क्या होगा? बी अपॉन का पी। इसी तरह से अगर साइन एम पी अपॉन का एच है तो कॉसेक एम आपका एच अपॉन का पी होगा। इसी तरह से अगर कॉस आपका एम बी अपॉन एच है तो सेक आपका एच अपॉन का बी होगा। क्लियर है? इसको याद करने में अगर दिक्कत आ रही है कि साइन एम पी अपॉन एच है कॉस एम, तो इसके लिए हमने एक एनालॉगी बना रखी है, वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, यहाँ पर ये साइन को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉस को रिप्रेजेंट करता है, ये टैन को रिप्रेजेंट करता है, नीचे वाला ये कॉसेक को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका सेक को रिप्रेजेंट करता है, और ये कॉट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, इसको याद कर लीजिए। ऐसे आपको साइन करना पता करना है तो P अपॉन का H, तो परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपरटेन्यूज। जैसे cos तो B अपॉन का H, tan तो P अपॉन का B, सेम एज अगर cosec पूछा है तो इसे जस्ट अपोजिट H अपॉन का P, cosec पूछा है तो H अपॉन B, cot B अपॉन P। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको भूलते हो बार बार, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद आपको अपने आप ये याद हो जाएंगे। क्लियर? तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, ये एनालॉगी पता होनी चाहिए। इसके बाद मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा यहाँ पर, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ये ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ करने के बाद इसके डायमेंशन लिख देंगे। हमें डायमेंशन कहाँ से पता चलेंगे? यहाँ से। देखिए, यहाँ पे टैन एम क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन का बेस। यहाँ पर ये दोस्तों जो डिग्री है, एंगल जो है वो है एम, और ये है आपका आपका 90 डिग्री। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर टैन एम क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन का बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? 5, तो परपेंडिकुलर हम लोग 5 लिख लेंगे, और बेस क्या है? 12, तो ये हो जाएगा आपका 12। एंड इसी तरह से हाइपरटेन्यूज हमें नहीं पता है। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर, जो हमें फाइंड करने, ये सारे जितने जितने रेड है ये हमें फाइंड करने, ये रेशियोज। तो साइन एम आपका होता है पी अपॉन का एच, चलो हमें परपेंडिकुलर पता है, हाइपरटेन्यूज नहीं पता है, तो वो तो हमें पता करनी पड़ेगी। देखिए, आपका कॉस में भी हाइपरटेन्यूज में है, कॉसेक में भी हाइपरटेन्यूज है, और कॉसेक में भी है। तो अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सारी याद करने हैं तो हमें सारी साइड्स पता होना कंपलसरी है। तो आपको पता होगा, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें एक साइड नहीं पता है और दोनों साइड्स पता है, तो उसको हम लोग तीसरी साइड पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, PHEOTHORM थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? ये कहता है कि एच का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। क्लियर? तो हाइपरटेन्यूज क्या है यहाँ पर? हाइपरटेन्यूज है आपका 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया।
सॉरी हाइपर टेन्यूज तो पता ही नहीं हम लोग को, तो हाइपर टेन्यूज को हम लोग एच रखेंगे, हाइपर एच का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस क्या है आपका 12, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, एंड 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और 25 कितना होगा, 144 प्लस का 25, ये हो जाएगा 169, 169। अब देखिए हमें एच स्क्वायर अगर जब हटाएंगे तो 169 पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। हम जानते हैं 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका होगा 13। तो यहाँ पर हमारी हाइपरटेन्यूज क्या निकल आती है, 13, जिसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम से हाइपरटेन्यूज को फाइंड कर लिया, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग अपने जो रेशियोज हैं उनको फिलअप करते हैं, उनको भरते हैं। ओके, तो यहाँ पर वन बाय वन करके फिल करेंगे। तो साइन एम क्या है, पी अपॉन का एच, तो पी क्या है 5 और एच क्या है 13, तो 5/13 है साइन अप साइन एम। इसी तरह से बेस अपॉन हाइपरटेन्यूज, बेस है आपका 12 एंड हाइपरटेन्यूज इज 13। कॉट एम क्या है, बी अपॉन का पी, तो बी क्या है 12 एंड परपेंडिकुलर है 5। इसी तरह से कॉसेक एम क्या है, एच अपॉन का पी, कॉसेक क्या होता है एच अपॉन का पी, हाइपरटेन्यूज अपॉन का परपेंडिकुलर, हाइपरटेन्यूज 13 और परपेंडिकुलर इज 5। इसी तरह से हाइपरटेन्यूज इसमें क्या है 13 और बेस है आपका 12, और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो हमने फाइंड कर लिए हैं। देखा कितना ज़्यादा ईजी है। तो इस तरह से आप सारे इस मेथड से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को अपने एक बैचमेट के साथ, क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो इस वीडियो का फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट ले सके, जैसे कि आपने लिया है। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।